जी इस विकराल बन गए, ये जोगी इसमें कौन है? जरा जाती हूँ और इनका परिचय लेती हूँ। अजी आप कौन हैं और कहां से आए हैं और इस विकराल वन में क्यों भटक रहे हैं? अगर कुछ हर्ष न हो तो कृपया अपने वंश का परिचय दीजिए। मैं राजा दशरथ का पुत्र राम, ये मेरी धर्मपत्नी सीता है, वह मेरा लक्ष्मण है। मेरा परिचय हो गया है तो अपना परिचय दे दो। नहीं, मैं लंकापति रावण की बहन हूँ। बहन नाम के लिहाज से बंदी को शूर्पणखा कहते हैं। मेरे भाई भाभी इसी वन में रहते हैं। वैसे तो बहुत से राजकुमार की तबियत मुझ पे आई, पर ये बंदी किसी को भी अपनी खातिर में ना लाई। अजी मैं जब भी निंद्रा में रहती थी तो सोचती थी कि मैं जब भी विवाह करूंगी तो मेरा होने वाला योग्य वर बहुत ही सुंदर, सुशील और गुणवान होगा, जैसा मैंने चाहा। उनकी मूर्ति आप में झलकती है। हे सुंदरी, मैं तो मैं जानती हूँ आप मुझे मनी मन पसंद कर रहे हैं। मैं इसी के लिए संसार फिरी, मैं दिखरे संसार फिरी, पर मिला न कोई दिलदार कहीं, पर मिला न कोई दिलदार कहीं, मेरे रूप समान मेरे रूप समान मिला न कोई, छल बलिया वफादार यार कहीं, छल बलिया वफादार यार, छल बलिया वफादार यार कहीं, छल बलिया वफादार यार कहीं। तुम मेरे अनुज के पास आओ।
मेरी एक बात सुन लीजिए, ये मेरा ग्रुप है ना, इसे देख के तो चंद्रमा भी शर्म आता है, और कई ऋषि तो मुझे पानी के ललचाई करते हैं, परंतु ये पंडित किसी के हाथ नहीं आता है। मुझे तो आप ही पसंद है। देखो राम लक्ष्मण जी, मैं अंतिम बार कह रही हूँ, मुझसे विवाह कर दो, क्योंकि मैं दोनों भाइयों के सामने नाच नाच के थक गई हूँ। अब मुझे दोनों ही न सताओ। लक्ष्मण जी, अब मैं आप ही से विवाह करूंगी, अगर आप मुझसे विवाह नहीं किया तो आपको बहुत पछताना पड़ेगा।
अब मैं इन दोनों भाइयों की विधि समझ गई हूँ। मैं राम के पास जाती हूँ, वो मुझे लक्ष्मण के पास भेजते हैं। मैं लक्ष्मण के पास जाती हूँ, वो फिर मुझे राम के पास भेजते हैं। इसका कारण है ये सीता, सीता सीता सीता। पहले मैं सीता को ही अपने रास्ता से हटाती हूँ तो मेरा रास्ता स्वयं अपने आप बन जाएगा और राम मुझे अवश्य बन लेंगे। इसीलिए पहले मैं सीता को ही अपने रास्ते से हटाती हूँ और अपना रास्ता साफ करती हूँ।